इस वक्त यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इजरायली सेना हिजबुल्ला के बेरूत हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया गया। बेरूत में हिजबुल्ला के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर इजरायली वायुसेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया है। ये एयर स्ट्राइक FM-35 फाइटर प्लेन से किया गया है। इस हमले का टारगेट था हिजबुल्ला लीडर नसरुल्ला। हमले को लेकर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का भी बयान आया है, कहा कि हमले में 2 लोग मारे गए हैं, 76 घायल हुए हैं। तो वहीं नसरुल्ला के बारे में अभी तक हिजबुल्ला की ओर से कोई बयान नहीं आया है। तो वार जोन से बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिस वक्त यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इजरायली सेना हिजबुल्ला के बेरूत हेडक्वार्टर पर हमला बोलती दिखी है। बेरूत में आपको बता दें कि हिजबुल्ला का सेंट्रल हेडक्वार्टर है, यहां पर इजराइल की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया है, जबरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक किया है और वो आपको धुआं भी नजर आ रहा होगा, ये एयर स्ट्राइक का धुआं है। इजरायली वायुसेना की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है, एयर स्ट्राइक F-35 फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया गया है। टारगेट था, हमले का टारगेट था हिजबुल्ला लीडर नसरुल्ला। हमले को लेकर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान आया है, कहा कि 2 लोग मारे गए, 76 घायल हुए और नसरुल्ला के बारे में अभी तक हिजबुल्ला की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन नसरुल्ला टारगेट था और बड़ी बात देखिए यह है कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के बेरूत हेडक्वार्टर पर हमला बोला है। हिजबुल्ला का बेरूत हेडक्वार्टर जहां पर हमला बोला गया, बेरूत में हिजबुल्ला के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर जबरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है। 3 तस्वीर आपके सामने है, भाषण और उसके दौरान हिजबुल्ला मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक, देखिए किस तरीके से पूरी तरफ मलबा आपको नजर आ रहा है। लेबनान पर इजराइल के सीरियल एयर स्ट्राइक तो सिर्फ ट्रेलर है। लेबनान इजराइली युद्ध की पिक्चर अभी बाकी है। यकीन नहीं होता तो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मूव करते इन बख्तरबंद वाहनों का काफिला देख लीजिए। इजराइल लेबनान में घुसने की तैयारी कर चुका है, किसी भी वक्त इजराइल की सेना लेबनान में घुस सकती है। यानी पहले इसराइल ने हिजबुल्ला को एयर स्ट्राइक से दहलाया, अब लेबनान के भीतर घुसकर गाजा की तरह तबाह और बर्बाद करने वाला है। Thousands of Iranian-backed Hamas terrorists from Gaza burst into Israel in pickup trucks, on motorcycles, and they committed unimaginable atrocities. They savagely murdered 1,200 people. They raped and mutilated women. They beheaded men. They burned babies alive. They burnt entire families alive, babies, children, parents, grandparents, in scenes reminiscent of the Nazi Holocaust. Hamas kidnapped 251 people from dozens of different countries, dragging them into the dungeons of Gaza. Israel has brought home 154 of these hostages, including 117 who returned alive. इसराइल की प्लानिंग है कि वो लेबनान के भीतर घुसकर हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला बोलेगा। इजरायली फौज लेबनान के किस इलाके में सबसे पहले एंट्री की तैयारी कर रही है? इजरायली फौज लेबनान में किन हथियारों से विध्वंस करने की तैयारी कर रही है? इजरायल लेबनान पर कब से जमीनी हमले शुरू कर देगा और क्या इजरायल लेबनान में रुक कर उसके इलाके पर नियंत्रण करने की योजना बना रहा है? इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में दिखाएंगे। उसके पहले इजराइल के लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी को सुन लीजिए। तीन कन लेमाला אנחנו תוקפים כל היום גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב. לבנן
लेबनान में ग्राउंड अटैक करने का इसराइल का प्लान तब सामने आया है जब हिजबुल्ला ने कहा कि उसने तेल अवीब के बाहरी इलाके में इसराइल की मोसाद जासूसी एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाया है। गाजा पर इसराइल के हमले के करीब साल भर में यह पहला ऐसा वाकया है जब उसने कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और अब अपने घातक टैंक का मुंह लेबनान की ओर मोड़ दिया है। यह वो टैंक है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका तोड़ पूरी दुनिया के पास नहीं है। इस टैंक में ऐसे मॉडर्न और इंटीग्रेटेड हथियार हैं जिसकी वजह से यह दुश्मन पर भारी पड़ेगा। साथ ही ऑपरेशनल क्षमता और इसका 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम इसे काफी ताकतवर बनाता है। मार्कवा टैंक को इस मकसद के साथ तैयार किया गया है कि ये क्रू की रक्षा कर सके, यही इसका प्राथमिक लक्ष्य है और बाद में दुश्मन पर हमला करे। मर्कावा का पांचवा संस्करण सबसे एडवांस्ड है। इसमें रडार सिस्टम, ऑप्टिकल वार्निंग सिस्टम, कैमरा और बाकी सेंसर इसे सुरक्षा के लिहाज से नंबर वन बनाते हैं। मर्कावा 160 एमएम की मोर्टार गन, 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर के साथ 48 राउंड गोले से लैस है। इसका वजन 65 टन है, इसकी लंबाई 9 मीटर है। मर्कावा टैंक सड़कों के साथ साथ रेत पर भी चलने में सक्षम है। टैंक की मारक क्षमता भी जोरदार है। इसे चलता फिरता बंकर कहा जाता है जिस पर किसी भी गोले का कोई असर नहीं होता। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक टैंक के सेंसर और डिजिटल प्रोसेसिंग भी वॉर जोन में बाकी टैंकों और हथियारों के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। इसी वजह से मर्कावा नेट सेंट्रिक क्षमताओं वाला पहला टैंक बन गया है। इजरायली सेना ने 3 दिनों में लेबनान में हिजबुल्ला के 2000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायल और लेबनान में जारी टकराव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन की महासभा में हमास, हिजबुल्ला और ईरान पर तीखे बयान दिए। नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने हमास की 90% ताकत खत्म कर दी है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर हमास हथियार डाल दे और सरेंडर कर दे तो जंग रुक सकती है। हिजबुल्ला पर भड़कते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्ला अब तक 8000 रॉकेट दाग चुका है और ईरान पर बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान ने हमला किया तो इसराइल तगड़ा जवाब देगा। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पेजर ब्लास्ट और वॉकी टॉकी धमाके के बाद एयर स्ट्राइक भी हुई है। हिजबुल्ला लड़ाकों में दहशत का माहौल है और इस बीच लेबनान में घुसकर उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के पीछे का मकसद क्या है यह भी समझना जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन देखिए किस तरीके से लेबनान में जारी टकराव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह चेतावनी दी थी और उसके बाद देखिए किस तरीके से बेरूत पर अटैक हुआ। टारगेट पे हिजबुल्ला मुख्यालय था, नसरुल्लाह के होने का यह दावा किया जा रहा है। पेजर ब्लास्ट और वॉकी टॉकी धमाके के बाद एयर स्ट्राइक से हिजबुल्ला लड़ाकों में दहशत फैल गई है। लेबनान में घुसकर उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का मकसद क्या है यह समझना कोई रॉकेट साइंस ने कब नहीं है, क्योंकि लेबनान के हिजबुल्ला को इजरायली ईरान के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसराइल और हिजबुल्ला लेबनान की सीमा पर तब से लड़ रहे हैं जब गाजा में युद्ध शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2023 से 20 सितंबर 2024 तक इसराइल और लेबनान ने एक दूसरे पर जो हमले किए हैं वो इन दोनों के बीच की शत्रुता की गवाही है। इन 11 महीनों में इसराइल ने लेबनान पर 8,313 हमले किए हैं जिसमें 752 लेबनानियों की मौत हुई है। वहीं इसराइल के खिलाफ हिजबुल्ला और हूथी विद्रोहियों ने 1,901 हमले किए हैं जिसमें 33 इसराइलियों की मौत हुई है। हिजबुल्ला हमास और हूथी विद्रोहियों का पक्का सपोर्टर है और इस सपोर्ट की सीख उसे ईरान से मिलती है जो हिजबुल्ला की फंडिंग करता है, ट्रेनिंग देता है और इसराइल पर लेबनान की ओर से हमले के लिए उकसाता है। इसके लिए ईरान ने लेबनान में अपने रिवोल्यूशनरी गार्डों की तैनाती भी की है। हिजबुल्ला का समर्थन करने वाले ईरान ने इसराइल के हमलों की निंदा की है और कहा कि मध्य पूर्व इन दिनों पूरी तरह से तबाही का सामना कर रहा है। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इसराइल ने अपना हमला बढ़ाया तो तेहरान हर तरह से
लेबनान का समर्थन करेगा। इस बीच इजराइल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है हम यूज़ में जो चलानों हुआ अनाहु मफ़्तेन लाकोट बला जख़्मन हुआ मरहुलों ने से आज के लिए कोलियां दें उसे होशाम अंदाज़ को चले सफ़ोन दिखाने वाले इसराइल की प्लानिंग 2006 और 1982 के लेबनान इसराइल युद्ध की याद दिलाते हैं जिसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको भी होनी चाहिए लेकिन इसे आगे दिखाएंगे। इस वक्त इसराइल लेबनान में घुसकर क्या हासिल करना चाहता है उसकी रिपोर्ट देखिए। नेतन्याहू 60,000 से ज्यादा इसराइली नागरिकों को सुरक्षित अपने घर पहुँचाना चाहते हैं। ये सभी लोग उत्तरी इसराइल के निवासी हैं और हिजबुल्ला के साथ शुरू हुई जंग के बाद अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने पर मजबूर हुए थे। इसराइल का इरादा किसी तरह से लेबनान में घुसने का है। इसराइल उस खतरे को निष्क्रिय करना चाहता है जो हिजबुल्ला वहां के नागरिकों पर थोप रहा है। इसराइली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी को सुनिए। והיום נמשיך, ואנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום. इजराइल का पहला लक्ष्य हिजबुल्ला लड़ाकों पर हमला करके उनको दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी के उत्तर से किसी भी तरफ पीछे धकेलना होगा। इसकी दो वजहें हैं। पहला, इसराइल के कस्बों की ओर दागे जा रहे छोटी दूरी के रॉकेट्स को रोकना और दूसरा 7 अक्टूबर को उत्तरी इसराइल पर किए गए हमले जैसी घटना की आशंका को खत्म करना। इसके लिए इजरायली सेना की प्लानिंग है कि वो लेबनान के गांवों में घुसेगी जहां हिजबुल्ला ने कई सैनिक चौकियां बना रखी हैं। हिजबुल्ला के पास लड़ाके तो हैं लेकिन इजरायली टैंक मरकावा की तोड़ उसके पास नहीं है और ना ही इजरायली सेना की तरह हिजबुल्ला के लड़ाके ट्रेंड हैं। लिहाजा इसराइल लेबनान में घुसता है तो लेबनान का दूसरा गाजा बनना तय है। इसे रोकने के लिए कई देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने इसराइल लेबनान सीमा पर तत्काल 21 दिन के युद्ध विराम की अपील की है। भारत ने एक एडवाइजरी जारी कर भारतीयों से अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा नहीं करने का आग्रह किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली सैनिकों को संभावित जमीनी कार्रवाई के लिए अलर्ट पर रखे जाने के बाद पूर्ण युद्ध की संभावना को लेकर चेतावनी दी है। सवाल है कि क्या इसराइल थमने वाला है? इस उम्मीद की कोई तस्वीर दूर दूर तक नहीं दिख रही क्योंकि हमास, हूथी और हिजबुल्ला के खिलाफ बिन्यामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भले ही दावा करें कि इसराइल जंग जीत रहा है लेकिन हकीकत में हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हूती ने इसराइल की राजधानी पर ऐसा भीषण हमला किया कि पूरा इसराइल खौफ में आ गया है। हूती ने फिलिस्तीनी 2 बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव पर हमला किया है जिसे देखकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई बोले, शाबाश हूती, तुमने कर दिखाया। हूथी का मिसाइल हमला, ईरान बोला शाबाश हूथी। अब ये दावा कर पाना बेहद मुश्किल है कि इसराइल हमास और हिजबुल्लाह को जंग में आसानी से हरा देगा। हूथी लड़ाकों ने इसराइल पर ऐसा भीषण मिसाइल हमला किया कि अमेरिका तक हैरान रह गया। हैरानी की बात तो यह है कि महज 18 घंटे पहले ही पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि वो हिजबुल्लाह पर जमीनी हमला हर हाल में करेंगे।
सीएम नेतन्याहू के ऐलान से कुछ घंटे बाद ही इसराइल पर हुथी ने बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर दिया है। 2200 किलोमीटर दूर से हमला, तेल अवीव में मचा कोहराम। हुथी के हमले को देखकर जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई गदगद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह हुथी के मिसाइल हमले को देखकर दंग रह गए हैं। हुथी ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर 2200 किलोमीटर दूर से हमला किया है। हुथी ने दावा किया कि उसने इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। हुथी का दावा है कि उसने यमन से मध्य इसराइल पर सीधा बड़ा हमला किया। खबर के मुताबिक 2200 किलोमीटर दूर से हुथी ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। हैरानी की बात तो यह है कि हुथी ने सितंबर महीने में इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर दूसरा बड़ा मिसाइल हमला किया। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसके एरो डिफेंस ने हुथी की मिसाइल को इंटरसेप्ट करके आसमान में ही तबाह कर दिया। عملية عسكرية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة تل أبيب وذلك بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2 واستهدفت كذلك هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا وقد حقق هوتي نيليا حزب الله ككماندرو كبدلا। इजरायली सेना जहां एक तरफ लेबनान पर भीषण जमीनी हमले करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने पिछले 90 दिनों में हिजबुल्लाह के कम से कम 17 टॉप कमांडरों को मार डाला है। हिजबुल्लाह को हुए जबरदस्त नुकसान से जहां ईरान परेशान है, तो वहीं हूथी इजरायली सेना पर जमकर हमले करने में जुट गया है। जरा देखिए हूथी ने हिजबुल्लाह के किस लड़ाके का बदला मिसाइल हमले से लिया। पहले आप ये जान लीजिए कमांडर मोहम्मद सरूर कौन है जिसकी मौत का बदला हुथी ने लिया है। कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर था, जिसे कल बेरूत में इजरायली सेना ने मार गिराया। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक इजरायल ने दक्षिणी बेरूत में भीषण हवाई हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर मारा गया है। दावा किया गया है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ दहिया में हवाई हमला करके हिजबुल्लाह के कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार डाला है। हैरानी की बात तो यह है कि 24 घंटे के अंदर ही हूथी ने हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ कमांडर की मौत का इजरायल से बदला लिया। असल में कुछ दिन पहले ही हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर यमन गया था, जहां उसने हूथी लड़ाकों को ड्रोन मिसाइल से लंबी दूरी के हमले करने की ट्रेनिंग दी थी। यमन से जैसे ही हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर बेरूत पहुंचा, तभी इजरायल ने खुफिया जानकारी के इनपुट पर हवाई हमला किया और उसे मार दिया। इजरायली सेना का साफ कहना है कि हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर ही इजरायल पर हूथी और हिजबुल्लाह लड़ाकों से बड़े मिसाइल और रॉकेट हमले करवा रहा था। ईरान और हिजबुल्लाह ने भी माना हूथी का लोहा। हूथी लड़ाकों का साफ कहना है कि लाल सागर में अगर दुश्मन के टैंकर और हथियारों से भरे इजरायली और अमेरिकी जहाज घुसेंगे तो उन्हें उड़ा देंगे। हूथी सितंबर महीने में ही तेल से लबालब भरे टैंकर को उड़ा चुका है। हूथी ने अमेरिका के सबसे एडवांस MQ-9 ड्रोन को भी आसमान में तबाह करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह और ईरान के लड़ाके जो काम नहीं कर पाए, वो हूथी के लड़ाकों ने करके दिखा दिया। इसी वजह से अब ईरान और हिजबुल्लाह हूथी का लोहा मानने लगे हैं। ثلاث مدمرات حربية أمريكية معادية في البحر الأحمر وذلك أثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي وقد نفذت العملية ب23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة।
यहाँ तक कि हूथी ने साफ कहा है कि वो गाजा युद्ध में मारे गए एक एक फिलिस्तीनी की मौत हिजबुल्लाह के लड़ाकों और कमांडरों की मौत का बदला अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से लेगा। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, आगे देखिए मारो राजस्थान।